हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। भैया काजल वाजल लग रहा है और जल्दी से नहा धो के तैयार हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। और सच में बताओ, स्कूल ना जाना हो ना तो तैयार भी ना हूँ मैं बिल्कुल भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक और सुबह और मैं चल रही हूँ स्कूल, मतलब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ बिल्कुल ही। आज सैटरडे है तो कोई स्कूल में एक्टिविटी होगी तो उसको जरूर शूट करूंगी। और नाश्ता बना लिया है, नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, बस अब स्कूल निकलती हूँ, मिलती हूँ आने के बाद। पसंद है आपको? बताओ कौन सा फ्रूट पसंद है? देर में जाएंगे। व्हिच यू लाइक, पिक अप द फ्रूट व्हिच यू लाइक, यस व्हिच टाइप ऑफ फ्रूट इज, टेल मी द नेम, क्या नाम है, नाम बताओ। वेरी नाइस, लाजार लाइक मैंगो फ्रूट वेरी मच, ओके वेरी नाइस। एंड व्हिच कलर इज दिस? तो यहाँ पर आज जो एक्टिविटी हो रही है वो है फ्रूट्स नेम की, और साथ ही कलर्स नेम भी हो जा रहा है। और ये ग्राउंड में हो रही है क्योंकि यहाँ पर सब बच्चे आराम से बैठ जाते हैं और फिर एक एक को बुलाकर हम पूछ सकते हैं। तो स्कूल से आ चुकी हूँ घर और अभी ना हल्के वाले स्वेटर पहनना शुरू कर दी हूँ। हालांकि इस टाइम तक गर्मी लगने लगती है, लेकिन इसको पहनने से क्या होता है कि सुबह सुबह जो ठंड लगती है ना उससे बच जाते हैं। तो चलती हूँ, फिलहाल खाना वाना खाती हूँ। और खाना लंच ना मैं कुछ बना के नहीं गई थी क्योंकि अपने लिए सारा कुछ तो बन नहीं पाता। कई बार ऐसे होता है, सब्जी बची होती है, कई बार मैं रोटी बना के खा लेती हूँ। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जब से श्रेया गई है ना मैंने प्रॉपर लंच बहुत कम ही किया है, लेकिन जो मन करता वो जरूर बना लेती हूँ। तो आज फिलहाल मैं कुछ नहीं बनाई हूँ, लेकिन अभी सोच रही हूँ, दौड़ा रही हूँ दिमाग, आज मैं खिचड़ी बना लेती हूँ गरम गरम, पतली सी खिचड़ी। और खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो मैं आज पतली सी एकदम जरा सी खिचड़ी बनाऊंगी और खूब सारा पानी डाल के, और दाल ज्यादा हो ना पानी ज्यादा हो, और चटनी बनाऊंगी अच्छी सी, फिर खाऊंगी अच्छे से। तो चलिए आज मैं खिचड़ी बनाती हूँ। 3 बज गए हैं और भूख भी बहुत जोरों की लगी है क्योंकि सर्दियों में ना मुझे लगता है कि मुझे भूख ज्यादा ही लगती है, या मुझे लगती है या सबको लगती है पता नहीं। चलिए चलिए खिचड़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने किचन जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही मिलेगा, क्योंकि घर पे कोई है नहीं तो कौन करेगा साफ सफाई। तो जैसे फिलहाल मैं पूरा मतलब नीट एंड क्लीन करके ही जाती हूँ, कोशिश करती हूँ आने के बाद मुझे किचन ना बिल्कुल साफ दिखे। तो साफ ही है ये, अभी घड़ी तो निकाली नहीं, घड़ी पहन के तो खाना नहीं बनाऊंगी ना। तब तक मैंने इंस्टाग्राम के लिए 2-3 रील भी पोस्ट कर दी है। जब तक खिचड़ी मतलब पक रही थी तब तक मैंने रील्स बना ली। मैंने सोचा चलो मैं एक साथ दो दो काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर रील्स भी बन गई है और मैंने पोस्ट भी कर दिया है। और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है हैप्पी टीचर व्लॉग्स के नाम से, तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और वहाँ पर रील्स जो है बहुत अच्छी अच्छी बनाकर मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो अब बस खिचड़ी जो है मेरी बनने ही वाली है, और उधर से मम्मी का फ़ोन आ गया। तब तक तो साथ में बस मैं बात भी करने लग रही हूँ और खिचड़ी भी बना रही हूँ, तो मेरी इस तरह से बातें होती हैं और काम भी होता है। तो यहाँ पर बातें करते करते ना मेरी चटनी रह गई थी, तो मैं चटनी नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाने लग गई, तो फिर उसमें लग गई और उसके बाद तुरंत फोन आ गया, तो मेरी चटनी भी नहीं बन पाई है आज। यहाँ पर मेरी जो है खिचड़ी वो बन गई है, और खिचड़ी देखिए कितनी सारी, मतलब मैंने सब्जियां वगैरह डाल रखी है, और ऐसे ही लटपटी खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है बहुत ज्यादा। तो बस अब मैं इसको खा लेती हूँ फटाफट। ये रही मेरी खिचड़ी, ये रही मेरी दही। और ये खिचड़ी ना ऐसी वैसी खिचड़ी नहीं है, बहुत हेल्दी खिचड़ी है क्योंकि इसमें बहुत सारी दाल भी है, बहुत सारी इसमें सब्जियां भी हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्दी है। और मैं फटाफट एक कटोरी दही भी ले लेती हूँ क्योंकि दही के साथ ना खिचड़ी का कॉम्बिनेशन गजब का लगता है। तो बस मैं फटाफट खाऊंगी खाना क्योंकि भूख लगती है भाई बहुत जोरों की इस टाइम तक। मैं फटाफट शुरू कर लेती हूँ, देखती हूँ भाई भाप निकल रही एकदम गरम गरम। वाह हा हा, बहुत ज्यादा टेस्टी है सच में, मजा आ गया एकदम। मुझे तो देसी घी ऊपर से डाल ली तो और अच्छी लग रही है। मूली भी है साथ में, दही भी, दही मिला मिला के खाऊंगी तो मजा आएगा, और ठंडी भी जल्दी हो जाएगी।
खाना मैंने खा लिया। और जो भी अकेले रहते हैं ना वो इसलिए ये बेस्ट फूड है और एकदम हेल्दी, मतलब हमारे अंदर बॉडी में पूरे ही सब चीजें जाती है क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स भी हैं और सारी मतलब दालें भी हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। जो भी अकेले रहता है ना और आलस करता है तो वो ये खा सकता है जल्दी जल्दी बना के। लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है, फिर से मैं जा रही हूँ, मेरा पर्स टंग चुका है, खाना खाने सिर्फ आई थी, मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट का काम है कुछ काम से बाहर, उसके बाद मैं मिलती हूँ। मार्केट से आ गई हूँ और मैं हाथ पैर को धो के फिर मैं, जैसा आप सबको पता है, शाम की ज्योत बत्ती कर लेती हूँ, भगवान जी की आरती कर लेती हूँ। तो मार्केट से आते आते ना शाम हो गई थी, मतलब शाम की पूजा का टाइम हो गया था, तो बस आते के साथ ही मैं तुरंत ही पूजा में लग गई हूँ और पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा जो मेरा काम रहेगा उस पर लग जाऊँगी। तो यहाँ पर पूजा आरती कर ली हूँ मैं और भोग लगाकर बस मैं अब यहाँ पर, मुझे थोड़ी सी जो है टेबल पर डस्ट दिख रही थी क्योंकि आज मैं ना डस्टिंग कर ही नहीं पाई, सुबह जल्दी जल्दी करके चली गई स्कूल, तो ये टेबल मेरी रह गई थी और टेबल पर ना हाथ लगाया तो मुझे हल्की सी डस्ट दिखी और डस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है। जो मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे मायके वाले, ससुराल वाले और जो मेरी फ्रेंड सर्कल में है, सबको पता है कि मेरे को सफाई का बहुत ज़्यादा वहम रहता है और मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। मतलब मैं स्कूल में भी जाऊँ ना, मेरे टेबल और चेयर बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, अगर उसमें ज़रा सा भी हाथ लगाऊँगी ना, उंगली लगा के देखती हूँ डस्ट है ना, तो मैं तुरंत ही बुला के साफ़ करवाती हूँ। तो वही चीज़ सेम मैं घर पर भी लागू करती हूँ क्योंकि घर पर भी मुझे साफ़ सफाई का पूरा ही मतलब रहता है कि कहीं डस्ट ना रहे। तो ये आ गए थे तब तक ऑफिस से, जब तक मैंने डस्टिंग वस्टिंग की तो मैंने इनके लिए फटाफट कॉफ़ी बना दी। मैंने कहा चलो इनकी कॉफ़ी बना के दे देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना ली हूँ कॉफ़ी और ये देखिए झाग वाली कॉफ़ी बन गई एकदम अच्छी सी और इसी में बना ली फटाफट, ले जाके इनको दूंगी। और तब तक मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा गैप जो है ना, तब तक सेब काट के दे दूंगी तो ये अपना आराम से बैठ के सेब खा लेंगे और तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। तो वही मैंने किया है कि फटाफट सेब काट कर इनको दे आई हूँ और ये टीवी में लग गए हैं, आते के साथ ही सबसे पहले टीवी देखते हैं, इनकी आदत है। तो यहाँ पर चलते फिरते मैंने भी खा लिया है और उसके बाद मैं किचन में लग गई हूँ क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा और आज दूध बहुत ज़्यादा, मतलब कल का परसों का दो दिन का दूध हो गया था, तो मैंने कहा एटलीस्ट परसों वाले दूध का तो मैं बना ही लेती हूँ पनीर। तो बस मैं वही पनीर बना रही हूँ क्योंकि दो जन है, दूध भी नहीं ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आज शाही पनीर ही बना लेती हूँ क्योंकि मन कर रहा था, बच्चे जब से गए हैं ना तब से कुछ ऐसे बना नहीं पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही सेम प्रोसेस, काजू, प्याज, टमाटर जो है, अदरक का टुकड़ा, लहसुन, सब कुछ डाल के हल्का सब ब्राउन कर लिया है, ज़्यादा नहीं, सिम आँच पे ही थोड़ा सा मैंने ढक दिया था बस दो तीन मिनट के लिए, वो तब तक ऐसे ही पका है, बस रफली चॉप करके डाल दिया था और तब तक मेरा ये ना पनीर जम चुका था। मैंने इसको ना प्रेस कर दिया था, इसी चकले से दबा दिया था ना गांठ बांध के खैंकी में। तो बस यहाँ पर मेरा जो है पनीर बन गया है, पनीर को मैंने कट कर लिया है पीसेस में और फिर तब तक मेरा वो पक गया था ना, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको पीसना है, फिर गर्म तो पीसेंगे नहीं, तो ठंडा हो गया है तब मैं इसमें डाल देती हूँ छोटे जार में। पीसने के बाद एकदम बारीक पीसना, इसकी जो ग्रेवी ना एकदम स्मूथ बननी चाहिए शाही पनीर की। तब तक मैंने तेल में ये सारे मसाले, वही जो रेगुलर सब्जियों में डलते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, सब कुछ डाल के मैंने हल्की बिल्कुल सिम आँच पे ही मसाले भूनते हैं क्योंकि तेज़ हुई आँच तो वहीं जल जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो वो जब भुन गया तब मैंने ग्रेवी डाल दी है, ग्रेवी देख सकते हैं कितनी फाइन है बिल्कुल ही, साथ ही नमक ऐड करके 5 मिनट पका के फिर मैंने पनीर इसमें डाल दिया था और ऊपर से धनिया की पत्ती। और इसके बाद का मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि श्रेया का फ़ोन आ गया था तो मैं उससे बात करने लग गई थी, साथ ही साथ किचन भी क्लीन कर दी हूँ। तो बस अब किचन का काम हो गया है मेरा फिनिश। आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।